रहने वाले विधायक को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी। विधायक के समर्थकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। उक्त जो आवेदन है वो एक ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई है इसको लेकर और जिसमें दो दिन दिवस पूर्व जो है मुक्ति नगर थाने में आवेदन दिया गया आवेदन भी जांच में उसमें आवेदन और उसमें जांच के आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। धर्म बाबू चाचे के बहन की टेंट टेरेसा और कंपाउंड वाली जमीन का मामला 26 लोगों ने संस्था के खिलाफ दर्ज कराया था केस। पुलिस ने 15 लोगों को किया गिरफ्तार। में टेरेसा डिंडोरी के समनापुर इलाके के अजगर ढाबा में रहने वाली 12 नाबालिग बच्चों को उनके परिजनों को सौंपा गया। बाल कल्याण समिति डिंडोरी की मदद से सभी बच्चों को कर्नाटक से लाया गया था वापस। दरअसल यहाँ पर अजगर सैलाटोला के बच्चे कर्नाटक चले गए। डिंडोरी के गोरा कन्हारी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धांधली उजागर। पक्के मकान की जगह दर्जन भर से अधिक कच्चे और झोपड़ी नुमा घर बनाकर की खाना पूर्ति। सब्जी वाले 5,000 पहली किस्त ललित 5,000 इसमें बनने के बाद फिर दीवार खड़े करने के बाद एक किस्त फिर निकला ललित 5,000 तक गंजवासियों के परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। 21 साल से परिवार के सदस्य बीमारी से जूझने के लिए मजबूर। पैसों के अभाव में नहीं हो पा रहा है इलाज। होशंगाबाद की यातायात को लेकर व्यवस्थाएं चरमराए। प्रतिबंधित क्षेत्रों में नियम विरुद्ध हो रहा भारी भरकम वाहनों का आक्रमण। लोगों को झेलनी पड़ रही है परेशानियां। ये तो लगातार कई वर्षों से निकल रहे हैं और मेरे द्वारा और मोहल्ले वालों के द्वारा प्रशासन को माननीय एसपी महोदय को पूर्व एसपी महोदय अरविंद सक्सेना जी को लिखित एक हमने कंप्लेंट भी की थी क्योंकि यहाँ पर एक वरिष्ठ जन पार्क है जहाँ कटनी में एक परिवार ने अपने ही सखी के अंतिम संस्कार में जाने से किया इनकार। अकेले रह रहे 80 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद पड़ोसियों ने किया था अंतिम संस्कार। कैमूर नगर के वार्ड क्रमांक 6 के कुछ रहवासियों ने जानकारी दी कि अतिवर्ती बुजुर्ग श्री कौशल प्रसाद मिश्रा जो एवरेस्ट कंपनी से 7 वर्ष हो गए। डिंडोरी में लाठी डंडों से पीट पीट कर युवक की गहमी हत्या। दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद को लेकर दिया गया था वारदात को अंजाम। ये गांव में आपस में विवाद की घटना की जानकारी मिली थी जिसमें एक बरकड़े है अनूप बरकड़े उसके द्वारा राम कुमार की हत्या की गई। ये रात के नशे में हत्या की जाना पाया गया था और रात में सागर के मालथौन में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। वन परिक्षेत्र के अमारी बीट 3 और डारा से लगी वन भूमि पर किया गया था कब्जा। अमारी बीट वन परिक्षेत्र मालथौन के अंतर्गत बीट अमारी नंबर 3 में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। इसके लिए वन परिक्षेत्र अधिकारी मालथौन के निर्देशन में छतरपुर में एंटी डिवीजन ब्यूरो की रावत फार्म पर बड़ी कार्रवाई। टर्नओवर छुपाना और बगैर बिल के माल सप्लाई करने का खुलासा। प्रावधान और उल्लंघन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। सर कैसे सूचना मिली और कैसे कार्रवाई छतरपुर में आप रावत फार्म पे कर रहे हैं? डिंडोरी जिले के शाहपुर में लोकायुक्त की कार्रवाई। 20,000 की शिकायत से महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी को किया गिरफ्तार। तेजस्वी समूह ने की थी शिकायत। दिनांक 15/12/2021 को ग्राम संग्रामपुर निवासी श्री दिनेश सिमरिया जो कि शाहपुर में संघ मित्र तेजस्वी महिला जागृति समिति ने संघ मित्र खलवा में एटीएम से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए निकालने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान में भी कर चुके हैं वारदात। सूचना प्राप्त हुई थी और इसी से
आजम में SBI बैंक से हमें एक आवेदन दिया गया था कि ATMs मशीन में कुछ ATM मशीन में छेड़छाड़ करके पैसे निकाल के एरर जनरेट करके वापस से पैसा उसमें। शहर में अब सड़क पर जाम लगाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की मुहिम तेज। ट्रैफिक SP के निर्देश पर दोनों DSP ने व्यापारियों और ऑटो चालकों के साथ की बैठक। ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोज ही अलग अलग तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। आज हम लोगों ने लेफ्ट टर्न फ्री रखने का अभियान चलाया है, जिसमें हम लोग बच्चों द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो लेफ्ट टर्न फ्री रखें। रायपुर में धान खरीदी को लेकर जारी है सियासी बवाल। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर तंज करते हुए कहा कि बारदानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से है रुकावट। धान खरीदी छत्तीसगढ़ में शुरू हुए आज मुश्किल से 21वां दिन हुआ। शनिवार रविवार को अगर छोड़ दें तो 16 दिन की खरीदी हुई धान खरीदी और हम 36 लाख मैट्रिक। मुरैना में पिछले एक साल से बंद पड़ा है प्राइमरी स्कूल। कई छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। अभिभावकों ने की कार्रवाई की मांग। कौन से गांव रहने वाले? मेरा नाम पप्पन सिंह यादव है। मैं निवर्तमान सरपंच हूँ ग्राम पंचायत पलकनी से और ग्राम पंचायत मोहल्ली के प्रामा खड़ा हुआ हूँ। ये स्कूल एक साल से बंद है। प्राइमरी स्कूल है हमारा। बच्चे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। सतना के अमरपाटन में 30 से ज्यादा लोगों का कार्यपालन अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन। बिजली समस्या को लेकर खरमखेड़ा गांव के किसानों और लोगों ने जताया विरोध। अभी 3 दिन पहले पावर ट्रांसफार्मर में खराबी आ जाने के कारण कुछ क्षेत्रों की बिजली 3 फेज सप्लाई बाधित हुई है। अभी उन ग्रामों में सिंगल फेज सप्लाई दी जा रही है। संभवतः 2 दिन के भीतर विधायक गुलाब कमरों पहुंचे धान खरीदी केंद्र कटघोड़ी। किसानों से मुलाकात कर जाना उनका हाल। किसानों को समस्या ना हो इसके लिए समिति कर्मचारियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश। चिरमिरी निगम सम्मेलन बैठक में हुआ जमकर हंगामा। नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह के मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रश्न करने पर हुआ हंगामा। महापौर के बचाव में MIC सदस्य शिवा एक दिवसीय प्रवास पर बेमेतरा पहुंचे कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने 1,36,00,000 से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। विशाल बाबा गुरुदास जी के व्यक्ति का कार्यक्रम का आयोजन था। ग्राम पंचायत के आदरणीय सरपंच जी और मेरे ग्रामवासियों के द्वारा न केवल व्यक्ति का कार्यक्रम था। रायपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डकैती का प्लान बना रहे गिरोह के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कई हथियार और सामान जब्त। हाँ देखिए, पिछले काफी समय से ये ट्रेंड देखने में आ रहा था कि लोग ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजन से चाकू मंगा करके चाकूबाजी की वारदात करते थे। उसको देखते हुए हमारे द्वारा जो इस तरह से ऑनलाइन चाकू मंगाए जाते हैं उसकी जानकारी ली जाती है। शराब तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 42 पेटी देशी शराब बरामद। जामली गांव में पकड़े गए शराब तस्कर। सर बताएं, कल रात में शराब पकड़ी गई है थाना क्षेत्र में, किस तरह का मामला है? ये बीती रात हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। गुना में 50 पत्रकारों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। जमीन से जुड़े मामलों में अनियमितताओं की जांच कराने के लिए की गई मांग। अपन सभी पत्रकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपन इस बात की जांच चाहते। ग्वालियर में पुलिस ने 1 दिसंबर को हुए हत्याकांड का किया खुलासा। शराब पीने को लेकर आरोपी और मृतक के बीच हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू की पूछताछ। जैसा आपको विदित है, इस महीने की 1 और 2 तारीख को ग्वालियर शहर
शहर में इकट्ठे चार पांच मर्डर हुए थे और पुलिस ने लगातार लग के सभी मामलों को केस कर लिया। इसमें मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्वालियर में भारी वाहनों के अवैध रूप से एंट्री कराने वाले सिपाहियों पर गाज गिरी है। ग्वालियर एसपी ने कार्रवाई करते हुए 3 पुलिस सिपाही को सस्पेंड किया, 2 सिपाहियों को लाइन अटैच कर दिया गया। ये शहर के अंदर रात को 11 बजे के बाद वाहन प्रवेश करते हैं, परंतु बाईपास बन चुका है। शहर के अंदर वही वाहन आते हैं जिनको यहाँ पे अनलोड करना हो या कोई रिपेयर काम हो या जिनका रजिस्ट्रेशन या बीमा ग्वालियर। जबलपुर में कुछ दिन पहले घर के बाहर खेलते समय लापता हुई बच्ची का मिला शव, शव पर मिले हैं चोट के कई निशान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की जांच। जबलपुर में डोर टू डोर कचरा उठाने वाले सफाई कर्मियों ने जताई नाराजगी। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर लगभग 1500 सफाई कर्मियों ने किया कलेक्टोरेट का घेराव। हमारी मांगे सिर्फ इतनी है, हमें हमारी तनख्वाह समय पर दी जाए हमें, और हमें ये घेराव करना और ये हड़ताल करना हमको खुद को अच्छा नहीं लगता। रायपुर में सरकारी परीक्षा में फर्जी एडमिट कार्ड मामले में 24 सेंटर संचालक गिरफ्तार। डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा के दौरान सामने आया था फर्जी एडमिट कार्ड का मामला। संडे को व्यावसायिक परीक्षा मंडल के टारगेट थिंग का पेपर था और जेएम नायडे स्कूल है हमारे यहाँ, वहाँ भी सेंटर बना हुआ था। वहाँ के केंद्राध्यक्ष का एक शिकायत पत्र हुआ, एक रोल नंबर में जो कि पुरुष का था चंद्रकांत यादव, एक महिला पेपर देने आई है, उस संबंध में उनको कुछ। रायपुर में चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार, करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में आरोपी को कोलकाता से किया गया गिरफ्तार। देखिए, तेलीबांधा थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में एक चिटफंड कंपनी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। चिटफंड कंपनी का नाम है वसुंधरा रियल कान लिमिटेड और तब से इसमें किसी भी डायरेक्टर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। उसमें एक डायरेक्टर को जिसका नाम है उमरिया के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में नव आरक्षकों का 36वां बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का समापन। मुख्य अतिथि के रूप में एडीजीपी दिनेश चंद्र सागर रहे मौजूद। प्रशिक्षण सत्र में आरक्षकों ने देशभक्ति और जनसेवा की ली शपथ। बुनियादी प्रशिक्षण आरक्षकों का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज उन्होंने शपथ ली है कि वो देशभक्ति और जनसेवा में अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। मनावर मानव मुनि गौशाला के 50 साल पूरे होने पर चारा गोदाम और नंदीगृह के लोकार्पण और वृद्धाश्रम का भूमि पूजन का आयोजन किया गया। सभी को सादर नमस्कार, मैं विपुल गंगवाल, मानव मुनि गोरक्षा ट्रस्ट का सदस्य। आज मनावर नगर के लिए बहुत ही गौरव के क्षण है। आज मानव मुनि गौशाला जिसकी स्थापना 50 वर्ष पूर्व श्री मानक चंद जी सालेचो द्वारा की गई थी। आज रायपुर पुलिस ने चलाया तस्दीकी अभियान, लगातार बढ़ती वारदातों को देखते हुए शुरू किया है अभियान। ऑनलाइन हथियार बेचने वाली वेबसाइट्स पर रहेगी नजर। चोरी जो हुई है उसे संबंधित ये है, अभी तक इसका बड़वानी में पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं का केरल के सीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पिछड़ा मोर्चा प्रदेश मंत्री एडवोकेट डॉक्टर रंजीत श्रीनिवासन की हत्या पर जताई नाराजगी। विकास यादव, भारतीय जनता पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष। आज ये बदला की है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा केरल के प्रदेश मंत्री एडवोकेट श्री रंजीत श्रीनिवास जी, SDIPI सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया। ठंड का कहर, किसानों की ज्वार की फसल पाले से बर्बाद। किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर SDM को सौंपा ज्ञापन, सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। ग्राम पंचायत करहोला।